वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ फिजिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। वी स्टडी इन द क्वेश्चन इन द चैप्टर फर्स्ट वन टी। वाट इज द मीन ऑफ द टी? कैपिटल टी रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द फॉर्मूला बाई यूज ऑफ डेरिवेशन। हमने जो डेरिवेशन ड्राइव करे थे उनसे हमको फॉर्मूला मिला था, टी इक्वल टू 2u sin θ/g। आर दैट मीन्स u² sin 2θ/g। एंड वाट इज द मीन ऑफ आर मैक्सिमम वेन theta will be equal of 45 degree, maximum range will be equal of u² by g and maximum height। देखिए, आपने ये डायग्राम देखा होगा। इन द केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, इन द केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ एनी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट। ये जो है ये हमारे लिए u है। व्हाट इज द मीन ऑफ द u? u दैट मीन्स अ इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स अ हॉरिजेंटल एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, दैट मीन्स अ वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो चीज है इसको आप बोलते हैं कैपिटल आर। व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल आर? दैट मीन्स अ मैक्सिमम रेंज, एंड दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी यू। द कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स यू एक्स अलोंग द वाई एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ यू वाई। आप सोचेंगे सर न्यूमेरिकल जो है वो तो बिल्कुल ईजी है, बट याद रखिए न्यूमेरिकल के लिए मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दूँ ताकि मुझे किसी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट ना हो। यू दैट मीन्स यू एक्स एंड यू दैट मीन्स यू वाई along x axis along y axis, let we consider this is a theta angle, so here we decide u cos theta and here we decide a u sin theta, that means a vertical component will be equal of u sin theta and horizontal component will be equal of u cos theta. Okay student, here what is the mean of capital T? Capital T that means a time period, टोटल टाइम फ्रॉम O to A to B, मतलब अगर जो मैं टाइम की कैलकुलेशन करूं O टू A तो स्मॉल t होगा, A टू B दैट मीन्स अ स्मॉल t, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल T आर नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके स्टूडेंट, आपको ये सारे वर्ड याद होने चाहिए जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी सॉल्व द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रोजेक्टेड? मतलब किसी एक बॉल को फेंका विद द एंगल 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल ऑफ 30 डिग्री विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे देखिए आप, वेलोसिटी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यू सच दैट यू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट मीन्स कैपिटल टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट मीन्स अ टाइम। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा स्टूडेंट? सेकेंड के फॉर्म में। वी नो दैट अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टी विल बी इक्वल ऑफ 2u sin θ/g। What is the mean of the g? G will be equal of acceleration due to gravity, लगभग 9.8 meter per second square। तो मैं इसको लगभग 10 meter per second square के इक्वल पुट करूंगा। ओके स्टूडेंट, सो कैपिटल T विल बी इक्वल ऑफ 2 into u, द वैल्यू ऑफ u विल बी इक्वल ऑफ 20 एंड साइन theta will be replaced by the 30 degree and here g will be replaced by the 10. So t will be equal of 2 into 10 into 2 will be equal of 20 such that here we getting the 2 sin 30. The value of sin 30 will be equal of 1/2. Okay student, 2 also cancel by 2, then we getting t equal to 2 and SI unit of time will be equal of second. So
this is a final result for this numerical. Student, now we take the second numerical. A ball is projected, मतलब मैं इस पाथ में एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ एंड एंगल विल बी इक्वल ऑफ 60 डिग्री. एंगल दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल ऑफ 60 डिग्री विथ अ वेलोसिटी. विच टाइप ऑफ वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी इक्वल ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी इक्वल ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. That means h equal to question mark and range also equal to question mark. आपको numerical में सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखना है. एक, जो given that values है वो ऐसे ही form में होना चाहिए, और second, जो भी आप answer calculate कर रहे हैं उसका भी ऐसा ही फॉर्म याद होना चाहिए. हाइट एंड रेंज बोथ आर द मेजरमेंट, दैट मीन्स अ लेंथ, सो ऐसा ही यूनिट विल बी इक्वल ऑफ मीटर. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैंने अभी हाल आपको ये सब बता चुका हूँ. दिस इज अ यू, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा एंड थीटा एच एंड आर सब, एंड अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट भी इससे कैलकुलेट कर लेंगे. ध्यान से देखिए, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच एंड एच विल बी इक्वल ऑफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा एंड जी u square sin square theta by 2g. The value of u will be equal of 40 meter per second. SI form में है. Sin square theta, that means sin theta whole square and theta will be equal of 60 degree. 2 and g, what is the mean of the g? G, that means acceleration due to gravity will be equal of 9.8 meter per second square. हम इसको कितना लगभग ले सकते हैं, consider कर सकते हैं 10 meter per second square. Okay students, so will be equal of 10. H will be equal of 40 into 40 and sin 60, 1 by 2 root 3 by 2. So value of sin 60 will be equal of root 3 by 2 whole square, and here also getting 2 into 10. Jahan se dekhiye student, h will be equal 10, cancel, okay, into cancel again. So 2 into 40, 2 into 40 into square of root 3 will be equal of 3 and square of 2 will be equal of 4. 4 cancel, then we getting the 10. H will be equal of 10 into 2, that means 20, and 20 into 3 will be equal of 60. The h, that means a height, measure in the form of meter. So final result will be equal of 60 meter. Now student, we have to calculate the value of R. What is the mean of the R? यहाँ पर R दो category में होगा, एक तो maximum range और दूसरा range. But हमको question में सिर्फ range पूछा है, तो हम formula use करेंगे u square sin 2 theta by 2g. But अगर जो यहाँ पर maximum range पूछा जाता तो हम direct इस formula में भी value put कर सकते थे. या तो आप इस formula को select करके theta की value put कीजिए, या तो आप direct इस formula का भी use कर सकते हो. For the range, we have to choose the value of R will be equal of u square sin 2 theta by g. The value of u will be equal of 40 meter per second, and sin 2 into theta, theta will be equivalent of 60 degree. 2 into 60 will be equal of 120 degree, and value of g will be equal of 10. अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको रफ में बताता हूँ. साइन 120 डिग्री, माय डियर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से देखेंगे. साइन 120 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 90 प्लस 30, एंड साइन 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल ऑफ कॉस थीटा. ओके स्टूडेंट्स, सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, दैट मीन्स 30 डिग्री. कॉस 30, cos 30 will be equivalent of root 3 by 2. ठीक है, आपको ये सब धीरे धीरे समझना पड़ेगा. तो ये कितना हो गया, 40 into 40, and value of sin 120 will be equal of root 3 by 2, and this is a 10. So final cancellation between the 10 and 40 will be equal of 4. और यहाँ पर जैसे हमने कैंसिल करा तो ये कितना हो जाएगा, 20.
इंटू फोर विल बी इक्वल ऑफ 80√3। और अगर जो आप चाहें कि सर मुझे और अच्छा आंसर चाहिए, √3 विल बी इक्वल ऑफ 1.732। सो 8 × 2 विल बी इक्वल ऑफ 16। कैरी 1, 8 × 3 = 24 और 1 विल बी इक्वल ऑफ 25। कैरी विल बी इक्वल ऑफ 2। 8 × 7 विल बी इक्वल ऑफ 56 प्लस 2 विल बी इक्वल ऑफ 58। कैरी विल बी इक्वल ऑफ 5। 8 × 1 = 8। 8 × 5 विल बी इक्वल ऑफ 13। एंड 0 हाउ मेनी नंबर्स? 3। सो वी गेटिंग 138.56 मीटर। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे दो चीज निकालनी थी। फर्स्ट वन इज द मैक्सिमम हाइट एंड सेकंड वन इज द रेंज। मैक्सिमम हाइट के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा एच का, और मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला यूज करा किसका? आर का। सो वी गेटिंग द रिजल्ट, एच विल बी इक्वल ऑफ 60 मीटर एंड रेंज विल बी इक्वल ऑफ 138.56 मीटर। हाँ स्टूडेंट, नाउ वी टेक द अनदर न्यूमेरिकल। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन? हम डायग्राम के फॉर्म में फिर से एक बार समझ लेते हैं। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज पैराबोलिक। दिस इज अ इनिशियल पॉइंट कैपिटल ओ, दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट कैपिटल ए, एंड दिस इज अ बी। दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम हाइट एंड दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेंज। लेट बी कंसिडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ यू अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स अ यू एक्स अलोंग वाई एक्सिस यू वाई। लेट बी कंसिडर एंगल, इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी इक्वल ऑफ थीटा सच दैट कंपोनेंट यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज दैट मीन्स अ कैपिटल आर एंड मैक्सिमम हाइट दैट मीन्स अ कैपिटल एच अटेंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सेम दैट मीन्स अ बोथ आर इक्वल। ध्यान से देखिए हम न्यूमेरिकल को कैसे समझते हैं। हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सेम, मतलब दोनों क्या है? इक्वल। We have to find out the angle. जल्दी से देखिए, here we have to calculate the value of theta according to, देखिए according to condition of question we can write capital R will be equal of capital H. But what is the mean of the R? R will be equal of u square sine 2 theta by g. And what is the mean of the H? H will be equal of u square sin square theta by 2g। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप पूछेंगे ये दोनों स्टेटमेंट कहाँ से आए? बाय यूज ऑफ द डेरिवेशन रिलेटेड टू टाइम ऑफ फ्लाइट वी गेटिंग t इक्वल टू 2u sin theta, बाय यूज ऑफ द डेरिवेशन रिलेटेड टू मैक्सिमम रेंज u square sin 2 theta by g, and maximum height will be equal of u square sin square theta by 2g। Okay student, we know that about the ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला साइन 2 डीटा। माय बायोलॉजी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, साइन 2 डीटा विल बी इक्वल ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा सच दे। सो स्टूडेंट, जी विल बी कैंसिल बाय जी एंड यू स्क्वायर आल्सो कैंसिल बाय यू स्क्वायर। साइन 2 थीटा विल बी इक्वल ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, एंड हियर इज अ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, 2 × 2 will be equal of 4 sine theta and cos theta will be equal of sine square theta. 1 sine theta will be cancelled by sine theta. Then final result 4 cos theta will be equal of sine theta. So finally 4 equal to sine theta by cos theta. By the class 10th identity, sine theta by cos theta will be equal of 10 theta equal to 4. अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर 1 होता, 0 होता, इन्फिनिटी होता, तो हम यहाँ पर एंगल फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पर थीटा विल बी इक्वल ऑफ 10 इनवर्स 4। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट व्हेन कैपिटल आर विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एच। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजू। स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो स्टडी फ्रॉम आवर चैनल।